क्या जोक था यार। रुको रुको मैं भी एक जोक सुनाता हूँ। पठान के घर में रात के वक्त चोर आया था। पठान सो रहा होता है, वो उठा के पूछता है कि ओए सोना कहाँ है। बोलता है अबे यार पूरा घर खाली है, कहीं पे भी सो जाओ। अच्छा आगे क्या होता है फिर? बस यार यही जोक था। एक बात बता यार, ये जोक था या सोक था? मुझे तो रोना आ रहा है यार। अबे यार ये ठंडा आदमी रह रहा है कि हम भी ठंडे हो जाएंगे। चल यार यार चल यार चल सही बोल रहा है। मार 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 मंगल को मार मार मार। अबे तुरगु तेरे हाथ में कुलाड़ी, मार मार ये नोयान नोयान मामा मामा मार। ये मार दिया नोयान को, शुक्र अल्लाह को शुक्र है नोयान मर गया भाई। नोयान मरा थोड़ी है, तो चौथे सीजन में वापस आ जाएगा। अच्छा चौथे सीजन में वापस आ जाएगा? अरे गधे पूरा सस्पेंस खराब कर दिया, चार सीजन का निचोड़ एक साथ बता दिया मुझे। बेगम इसको पढ़ाई पे लगाओ, पढ़ने जाओ पढ़ने जाओ, अब क्या फायदा देखने का। क्या वो भाई बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ यार मेरी कोई इज्जत नहीं करता, दोस्तों में जाता हूँ वहाँ पे अलग वो मजाक उड़ाते हैं, बाबा मुझे अलग डांटते रहते हैं, मम्मी भी मुझे मारती रहती हैं, अर्तुरुल सीरियल मुझे इतना पसंद है वो भी मुझे कोई नहीं देखने देता। मैं तो चाहता हूँ मैं अर्तुरुल जैसा बन जाऊँ। भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम अर्तुरुल बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, बस मांगने की देर है। आज रात मांग के तो देखो तुम्हारी वे जरूर पूरी होगी। बे जा यार सब फजूल बातें होती हैं। या अल्लाह मुझे अर्तुरुल जैसा बना दे, आमीन। अबे यार किसकी बातों में आ रहा हूँ, सारी फजूल बातें होती हैं, सुबह उठना भी है यार। ए भाई क्या मम्मा मम्मा लगा के रखा भाई, सुबह से कोई काम नहीं करने देगा तुम लोग। अच्छा तो उठो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, बस मांगने की देर है। अल्लाह अल्लाह मैं अर्तुरुल बन गया। अरे मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अशद हो? अरे अम्मी अबू आप मेरा यकीन करें मैं अशद हूँ। झूठ बोल रही है, हमारा बेटा अशद तो इतना सा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? देखो बेटा हर दावे का एक सबूत होता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? किस तरह यकीन दिलाऊं बाबा, क्या सबूत चाहिए आपको? कुछ ऐसा बताओ कि जो सिर्फ तुम्हें मुझे और तुम्हारी माँ को बताओ। अच्छा ये बताओ कि जब सुबह उठते हो तो क्या होता है? पापा अरे बताओ। बाबा बिस्तर गीला होता है। बिस्तर गीला होता है? अरे ये अशद है बेगम, मैं कह रहा हूँ ये अशद है। अशद है ये, अशद है। वो तो आप भी बिस्तर गीला करते हैं, पूरी दुनिया में कितने लोग बिस्तर गीला करते हैं, कुछ और पूछें। कुछ और? हाँ अच्छा ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किस वजह से पिटते हो? बाबा पबजी खेलने की वजह से। पबजी? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ये अशद है बेगम, तुम यकीन नहीं कर रही, अशद है। तुक्के लगा रहा है ये। अरे कुछ ऐसा पूछें जो अलग हो। बाबा मैं आपको ऐसी बात बता सकता हूँ जो सिर्फ आपको और मुझे मालूम है, अम्मी को भी नहीं मालूम। ऐसी कौन सी बात है भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेगम, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। देख लें बाबा बता दूं। बताओ। बाबा आपने पड़ोस वाली सलमान टी से दूसरी शादी की हुई है। यह अशद है, मैं कह रहा हूँ यह अशद है बेगम, मेरा यकीन नहीं कर रही, तुझे अशद है यार। अरे कैसे यह अशद है? अरे कैसे यह अशद है? अरे कैसे यह अशद है? अच्छा बेटा अशद तुम तो बिल्कुल अर्तुरुल जैसे हो गए हो, हैंडसम। एवला देखो बेटा अशद, जब खुदा कुछ आता करता है ना तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देता है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। और हाँ बेटा याद रखना,
अब तुम काशिफ के बेटे अशद नहीं हो, बल्कि तुम हो सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल। ये क्या क्या तुमने? भाईजान आपको ढिकानी पान की पीठ फेंकी है, और आप हो कौन? आपकी टीम ऑडियो आ रही है, वीडियो तो आ नहीं रही। मैं हूँ अर्तुरुल, सुलेमान शाह का बेटा। अच्छा, मैं हूँ शाहरुख खान, सलमान खान का बेटा। अरे आप तो वही हो ना अटल, जिसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बजा के रख दी। यार रोजी रोटी खा गए आप सबकी। शर्म नहीं आती? अपने शहर को गंदा कर रहे हो। शहर? अरे अटल भाई, आप जिस शहर में खड़े हो ना, ये उस शहर का रिवाज है, पहले मुंह लाल होता है फिर रोड लाल होता है। इस सरजमीन को हासिल करने के लिए इतनी जद्दोजहद की गई है, इतना खून बहा है, और तुम इसे गंदा कर रहे हो। अब अगर तुमने अपने पान की पीक से इस रोड को लाल किया तो मैं तुम्हारे खून से इसे लाल कर दूंगा। सॉरी अटल भाई, आप तो नाराज हो गए। अब आईना कभी रोड पे नहीं फेंकूंगा, कभी नहीं फेंकूंगा। सॉरी भाई, बिग फैन ब्रो, अटल जिंदाबाद। मोबाइल निकाल निकाल, मोबाइल वॉलेट गान तेरा है, वॉलेट तो वॉलेट वॉलेट गान तेरा। ये क्या कर रहे हो तुम? अबे तेरे को नजर नहीं आ रहा, अपन चोरी कर रहा है अपने काम से काम रखने का। शर्म नहीं आती? हलाल कमाने में मौत आती है, तुम तो कौम के मुस्तकबिल हो। कुछ ऐसा करो कि अच्छे नाम से जाने जाओ। बे कौम के मुस्तकबिल, आखिरी मौका दे रहा हूँ, हराम से तौबा करो और हलाल कमाओ। अगर फिर से लूटते हुए देखा तो सर तन से जुदा कर दूंगा। जल्दी नहीं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बिल्कुल अर्तुरुल जैसा है। अरे भाईजान, आप यकीन करें ना करें, बिल्कुल हू बहू अर्तुरुल जैसा है। अगर हू बहू है तो बहू बना ले हमारी बेटी को। वैसे भाईजान, हमने भी सुना है कि आपकी बेटी हलीमा सुल्तान की तना है। हाँ हाँ, हलीम तो बना लेती है। नहीं, मैं हलीमा सुल्तान की बात कर रहा हूँ। अरे छोड़े उसे। अरे हमने तो सुना था कि आपका बेटा बहुत छोटा सा है, ये अचानक से रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बेटे का कद माशाल्लाह 6 फुट है, गाड़ी है, दाढ़ी है, पैसों की रेल पेल है माशाल्लाह। अरे इतनी तारीफें कर दी तो हम मिलवा भी दें, ये आंखें तरस गई हैं उससे मिलने के लिए। अरे भाईजान थोड़ा सब्र तो करें, आता ही होगा। उस्ताद वो है। अच्छा इधर इधर। अरे सर बिग फैन यार, आपको तो टीवी में देखा है। अरे मैं सेकंड सीजन देख रहा हूँ, क्या मार रहे हो नौयान को यार? उस्ताद क्या कर रहे हो? ये वही है जिसने हमें डकैती से रोका। अच्छा, बहुत देख लिया इसको टीवी पे, आज रूबरू देख लेते हैं छोटे। लंबे? जी उस्ताद।
क्या हो गया? हवा निकल गई सारे। उस्ताद भाग गया। भाग गया? हाँ उस्ताद भाग गया। अबे भाग गया तो पकड़ो। तूने यहाँ पे किसी बड़े से बंदे को देखा है? उसकी दाढ़ी भी थी। वो लंबा सा दाढ़ी वाला, वो उधर भागा है। चल जल्दी कर, जल्दी कर। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, बस मांगने की देर है। आज रात मांग के देखो, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। अरे भाई साहब, काफी देर हो गई, आया नहीं आपका अर्तुरुल। अरे भाईजान रुके, जरा सबर करें, आता ही होगा। बाबा होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो हमने फन फिन के साथ कोलैब करके बनाई और इनके भी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मेरा अपना चैनल यूट्यूब के ऊपर मुस्तफ़ा हनीफ के नाम से, आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको भी प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सब्सक्राइब करें। और फन फिन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के जो पहले यूट्यूबर्स हैं जिसके साथ मेरा कोलैब हुआ है, मैंने इनके साथ वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच।